हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड मैं काम सर, सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड बेसिकली आज वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे एंड आपको बताएंगे कि अगर आप में ये ऑफर शो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है एंड क्या करें कि ये ऑफर आप में शो हो। तो वीडियो को शुरू से कर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स देरी की बात किया, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सेकेंड फोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर रखा है और मेरे इस फ़ोन में डुअल अमेजोन अकाउंट है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन करके दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलिए अमेजोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी अमेजोन ओपन कर रखा है और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा लोडिंग होने देते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और अमेजोन सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है, अमेजोन पे। ठीक है, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा अमेजोन पे बैलेंस एंड बगल में UPI। तो हम अपना अमेजोन पे UPI मतलब अपना बैंक आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक हम आपको दिखा देते हैं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा आपको। तो यहाँ पर मेरा बैंक दिख जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक मैंने ऐड कर रखा है इस अमेजोन पे में और मैं इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, जो ऑफ़र मैंने आपको फ्लैश करके दिखाया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखिए 500 रुपये तक का ऐड मनी भी किया है, फिर भी मैं 500 रुपये वाले ऑफ़र के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेकेंड वाला एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें भी मैंने अपना बैंक ऐड कर रखा है, फिर भी मैं इसमें 500 रुपये तक के ऑफ़र के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अमेजन पे बैलेंस है एंड अमेजन पे UPI पे क्लिक करके हम अपने बैंक को आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक हमने ऐड कर रखा है और मैं इसमें भी 500 रुपये वाले ऑफ़र के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। मतलब मेरा ये कहना है कि अमेजोन पे बैलेंस में मतलब अमेजोन पे में अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड करते हैं तो आपको 500 रुपये तक का ऑफ़र जो शो होता है वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया और आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ जहाँ तक जहाँ पर मेरे सेकंड फोन से जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मेरे मतलब इस फोन में भी मेरे दो अमेज़ोन पे अकाउंट है और मैंने एक में पंजाब नेशनल बैंक ऐड कर रखा है, एक में पंजाब एंड सिंध बैंक, और मेरे दोनों में वो ऑफर शो हुए रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें से UPI पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए मेरा पंजाब नेशनल बैंक है और मेरे में सारे ऑफ़र भी शो हो रहे हैं। ऑफ़र देख सकते हैं एंड सब बैंक भी आपको हम शो करके दिखाते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आते हैं और आपको दिखा देते हैं, मैंने यहाँ पर अमेजोन सॉरी पंजाब नेशनल बैंक ऐड की रखा है और मुझे 500 रुपये वाला ऑफ़र एलिजिबल है मिला है। ठीक है, एंड आपको सेकंड एप्लीकेशन में खोल के दिखा देता हूँ, इसमें भी मेरे सारे ऑफ़र शो हो रहे हैं और मैं अमेजोन का जो 500 वाला डेली रिवार्ड 500 रुपये तक का है उसमें भी मैं एलिजिबल हूँ, मुझे दोनों ऑफ़र एप्लीकेशन में दोनों ऑफ़र शो हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट है, निजी बैंक अकाउंट है, तो आप में ये दोनों ऑफर शो हो गए, मतलब 500 रुपये वाला ऑफर शो होगा। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो आप इस अमेजोन के 500 वाले ऑफ़र के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज की मेरी जानकारी को काफ़ी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।